गुड़ विधानसभा में राकेश सिंह टिकैत की एक सभा होगी 24 फरवरी को। इसकी तैयारी को लेकर किस तरीके से आयोजन होगा, रीवा के कॉफी हाउस में आयोजकों ने पत्रकार वार्ता करके दी जानकारी। किसान नेता राकेश टिकैत 24 को रीवा जिले के गुड़ तहसील में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करने एक दिवसीय दौरे पर रीवा आ रहे हैं। इस दौरान वह यहां पर कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्य आयोजन गुड़ में रखा गया है, जहां राकेश सिंह टिकैत एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत 24 फरवरी को रीवा जिले के तहसील गुड़ में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोर्चे के संयोजक शिव सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ चोटीवाला ने बताया, किसान नेता राकेश टिकैत, BKU राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव 24 फरवरी को प्रयागराज से सड़क मार्ग से चलकर रीवा में थोड़ी देर रुकने के बाद मोर्चे की अगुवाई में सुअर पशुपालकों के विगत 5 माह से जारी महापड़ाव आंदोलन स्थित कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे, आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद तहसील गुड़ में आयोजित किसान महापंचायत में शिरकत करेंगे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा, 15 सूत्री मुद्दों को लेकर जिसमें MSP की गारंटी सहित राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जिले के स्थानीय मुद्दे, सुअर पशुपालकों को मुआवजा, रेलवे भूमि अधिग्रहण, पीड़ित किसानों के परिजनों को नौकरी, आवारा पशुओं की समस्याएं, हवाई अड्डे से प्रभावित किसानों के मुद्दे सहित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत को सफल बनाए जाने जिले सहित पूरे संभाग के किसान साथियों, मजदूर साथियों एवं जनमानस से अपील की जा रही है। राकेश टिकैत की सभा में उपस्थित दर्ज कराकर अपनी ताकत का एहसास कराएं। काफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 माह से जारी महापड़ाव आंदोलन स्थल कलेक्ट्रेट के बाहर सुअर पशुपालकों से मुलाकात गुड़ जाने के पहले, उसके बाद गुड़ में एक बड़ी सभा, माना जा सकता है राकेश टिकैत इसके पहले जिस तरीके से रीवा के मंडी में किसान आंदोलन के दौरान एक बड़ी सभा को संबोधित करने आए थे, जिसमें उनको एक बड़ा जन समर्थन मिला था। कॉन्फ्रेंस है और यहाँ 24 फरवरी को गुड़ में, गुड़ तहसील प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसमें जो हमारे मुद्दे हैं, वो जो MSP का मुद्दा है, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, MSP का मुद्दा है, लखीमपुर खीरी घटनाकांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी बर्खास्तगी का मामला है, और जो किसानों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं वो मामला है। ये राष्ट्रीय स्तर पर माननीय टिकैत जी पूरी तरह से पूरे देश में जाकर के इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों में एकता बनाने का काम कर रहे हैं। और उस महापंचायत में जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जैसे सुअर पशुपालकों का, जो हमारा 5 महीने से रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में आंदोलन चल रहा है, वो मामला है। और वहाँ जो हवाई पट्टी के किसानों का मामला है, जो उनके मुआवजे का मामला है, उनको विस्थापित करने का मामला है, ये भी मामला हमारे आंदोलन का हिस्सा है। और रेलवे का मुद्दा भी उस किसान महापंचायत में रखा गया है, जो वादा किया था सरकार ने, भूमि अधिग्रहण किया, इसके बाद नौकरी नहीं दिया, तो किसान वहाँ भी आंदोलित हैं, वो भी मामला हमारे राष्ट्रीय किसान महापंचायत का हिस्सा है। और सबसे बड़ी जो रीवा सहित पूरे देश में समस्या है आवारा पशुओं की, उस आवारा पशुओं का भी मामला बड़े मुस्तैदी से हमारे आंदोलन का हिस्सा है। और तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं, 15 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी यह महापंचायत है। तो इस तरह से टिकैत जी यहाँ पर आ करके और राष्ट्रीय नेता उनके साथ आएंगे, जो महापंचायत को सम्मेलन संबोधित करेंगे, और उसके बाद जो है आगामी जो भी रणनीति होगी उसका आगाज वो रीवा से करेंगे। और बड़ा आंदोलन देश में मार्च माह में शुरू होने वाला है, ये सारी तैयारियां हैं। और रीवा की
जो हिस्सेदारी है हमारे किसान साथियों की, तमाम संगठनों की, वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। हम सबको बधाई देते हैं और पूरे रीवा संभाग स्तर के किसान साथियों से, नौजवान साथियों से, मजदूर भाइयों से, समाज सेवियों से हम अपील करते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत जी को सुने और उस महापंचायत को सफल बनाएं।